मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा। दोस्तों, कृपया भाई राजू दीक्षित जी के इन दुर्लभ वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं इन दुर्लभ जानकारियों को अपने सभी दोस्तों एवं अन्य लोगों तक जरूर से जरूर साझा करें। धन्यवाद। हमारे देश में अब मुझे ये समझ में आने लगा है कि किसी भी भारतीय नागरिक को चिकित्सा सुविधा की जरूरत नहीं है, चिकित्सकीय ज्ञान की जरूरत है। हेल्थ फैसिलिटीज नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए। नॉलेज की बहुत कमी, और इतनी कमी है कि पढ़े लिखे लोग उससे ज़्यादा पीड़ित हैं। छोटी छोटी बातें नहीं जानते, पानी को उबाल के पीना ये इतनी छोटी सी बात है, लेकिन आज के समय की बीमारियों में सबसे इफ़ेक्टिव है, खासकर 3 महीने की ये जो। तो आप उनको बता दो भैया पानी उबाल के पियो, उबाल के पानी पीने से क्या होता है वो समझा दो उनको, 10 मिनट में समझ में आ जाए। फिर उनसे कहो कि खाना खाते हो तो कुछ ये खाओ ये मत खाओ, क्योंकि दिनचर्या ऋतुचर्या जो आयुर्वेद की है ना वो जरूर सीख लो। दिनचर्या और ऋतुचर्या जरूर सीखो, आयुर्वेद की बहुत आवश्यक है। और आपको मैं एक किताब का नाम बोल के जाता हूँ, इसको पढ़ो। भगवत गीता जैसे पढ़ी जाती है, रामचरितमानस जैसे पढ़ी जाती है, उस किताब का नाम है अष्टांग हृदय। इसका एक दूसरा नाम भी है अष्टांग संग्रह, पुराना नाम अष्टांग हृदय। ये किताब का जो स्वस्थ व्रत है ना, वो ऐसे पढ़ो जैसे आप धार्मिक पुस्तक पढ़ते हो, और उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो तो याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। उसमें 2000 सूत्र हैं, ये सूत्र लोगों को बताना शुरू कर दो। छोटे छोटे सूत्र हैं, जैसे खाना खाने के बाद पानी मत पियो, स्वस्थ रहना है जिंदगी भर तो खाने के 1 घंटे के बाद पानी पियो। क्यों नहीं पिए वो आप सब जानते हो, सरल भाषा में उनको समझा दो। फिर उनको बोलो पानी पियो तो घूंट भर भर के पियो, सिप करके पियो, ताकि ज़्यादा लार शरीर में जाए, वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे। ठंडा पानी कभी मत पियो। मैंने दुनिया में ठंडे पानी पीने वालों को बहुत देखा है, यूरोप और अमेरिका के लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, बर्फ़ का पानी फ्रिज में रख के पीते हैं। परिणाम जानते हैं क्या होता है, सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाते हैं तो 1-1 घंटे बाहर ही नहीं आते। उनको पूछो भाई तुम क्या कर रहे थे 1 घंटे वहाँ, तो कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मैगजीन पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे, स्टूल पास नहीं होता। क्यों नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन है, जोर लगाना पड़ता है फिर भी नहीं होता। गाना भी गाते हैं मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, फिर भी नहीं आती। और अंतिम दुष्परिणाम पता है क्या होता है, उनको पेट साफ तो होता नहीं तो सांस में से भयंकर बदबू आती है। किसी अमेरिकन यूरोपियन के नज़दीक बैठ जाओ, अगर वो लिस्ट्रिन स्प्रे करके नहीं आया तो 1 मिनट नहीं बैठ सकते। हर समय उनको माउथ फ्रेशनर स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि अंतड़ियां साफ नहीं है, कब्जियत है, मल भरा हुआ है उसमें, कचरा जमा है। फिर उनके पसीने में से भी बदबू आती है, क्यों, कब्जियत बहुत है। और पसीने की बदबू दूर करने के लिए डिओडोरेंट स्प्रे करते रहते हैं। और आप तो सब जानते हो कि अगर कब्जियत है तो बाल भी कड़क रहते हैं, तो उन कड़क बाल को सॉफ्ट करने के लिए क्या क्या सब करते हैं, शैम्पू लगाते हैं, शैम्पू के बाद पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। ये सब वो जो करते हैं ना, उनकी मजबूरी है, स्टेटस सिंबल नहीं है। इसको अपने दिमाग से निकाल दो कि ये कोई स्टेटस सिंबल। तो सरल भाषा में समझाओ, ठंडा पानी पीने से ये होता है, मत पियो, समझ जाएंगे। फिर उनको बोलो सवेरे उठो तो सबसे पहले पानी पियो। फिर उनसे बोलो खाना खाओ तो बैठ के खाओ, कभी भी खाना खाओ तो पूर्व दिशा में मुंह करके खाओ, सो तो पूर्व दिशा में। ये अष्टांग हृदय में इतने अद्भुत छोटे छोटी बातें हैं तो संस्कृत में है, लेकिन अब तो उसका हिंदी भी आने लगा है। तो हिंदी ले लो, हिंदी वर्जन ले लो, इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, और ये जाके गांव में सबको बताओ। फिर उनको कहो देखो ये तो है स्वस्थ रहने के लिए, अब तुम बीमार पड़ो तो बताओ तुम्हारी बीमारी क्या है। ये बीमारी है तो ये दवा है, ये बीमारी है तो ये दवा है। और मेरा आपसे एक निवेदन जरूर है कि अगर आप होम्योपैथी से भी इलाज करो तो उसकी मूल दवा जरूर बता दो उनको। ये ग्रीक और रोमन नाम में मत फंसाओ।
आप कहोगे जी मैं तो ऑसिमम दे रहा हूँ, ये उनको कहो ये तो तुलसी का रस है भैया, तुम्हारे घर फूलों से बनी हुई है, आसानी से मिलती है, जयपुर में मिलती है, दिल्ली में मिलती है, भंडारी वालों को अक्सर ऑर्डर दे के रखो, हमको इतनी भेजो, उनको जो पता चल गया कि आप प्रचार के लिए कर रहे हो तो मुफ्त में भी दे देंगे आपको। तो इस तरह से आप गांव गांव जाओ, छोटे छोटे शिविर लगाओ, गांव वालों को इकट्ठा करो। गांव वाले बहुत दुखी हैं, शहर वाले भी दुखी हैं, वैसे तो वो दुखी हैं, इसका यही सबूत है कि रामदेव जी आए जयपुर में सवेरे 4 बजे तो सब लोग पहुंच जाते हैं, वहाँ पैसा भी देते हैं समय भी देते हैं। और 4 बजे रामदेव जी कहें टांग ऊपर उठा लो तो उठा लेते हैं, कहें सिर नीचे कर दो तो कर लेते हैं, ऐसे कर लो तो कर लेते हैं। क्यों? परेशान है, दुखी है, शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है, और इतने दुखी हैं कि रामदेव जी तो क्या कोई टिम्बकटू आ जाए उसी के सामने वो आ जाएंगे। और वो दुनिया भर में घूम के आते हैं अपनी अपनी छोटी छोटी बीमारियां लेके। तो इन जो दुखी लोगों का थोड़ा थोड़ा आप मदद कर दो इलाज के रूप में, ये सब आपके भगत हो जाएंगे। और ये भगत हो जाएंगे तो कहो आप भी प्रचार करो इसका, वो भी करें आप भी करो, तो ये इतना तेजी से मल्टीप्लाई करेगा कि 2-5 साल में एलोपैथी का बाजा बज जाएगा। और बजा देना है अपने को, हाँ ये संकल्प लेके चलो कि इनका बाजा हमको बजाना है। मैं बहुत जल्दी एक टीवी चैनल शुरू करने जा रहा हूँ एलोपैथी का बाजा बजाने के लिए, इनकी सब पोल खोलनी है मुझे। हाँ इनकी इतनी पोल है मेरे पास, कम से कम मेरे पास कम से कम 1,500 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जो एलोपैथी के गंदेपन को सिद्ध करने वाले, इनकी निकृष्टता को सिद्ध करने वाले, ये कितने अनसाइंटिफिक हैं वो बताने वाले, कितने डॉगमेटिक हैं वो बताने वाले। मेरे पास ऐसे बहुत इंटरव्यूज हैं बड़े बड़े डॉक्टरों के, वो कहते हैं कि हम कोई डायग्नोसिस नहीं करते, तीर मारते, लग गया तो ठीक नहीं तो तुक्का। और वो कहते हैं हम तो एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं, ट्रायल एंड एरर देते जाओ, गलतियां करते जाओ, देते जाओ गलती, भले मर जाए पेशेंट। हमारे पास तो कम से कम ये नहीं है ट्रायल एंड एरर वाला, हम तो जानते हैं कि तुलसी है तो उसके ये गुण हैं तो ये रिजल्ट आना ही चाहिए, मैथी है तो उसके ये गुण हैं तो ये रिजल्ट आना ही चाहिए, हमको सब मालूम है, फिक्स है, यहाँ वेरिएशन नहीं है। मैथी के जो रिजल्ट चरक ऋषि को मिले वो आज भी मिलते हैं, इसमें इतना सातत्य है, वेरिएशन कहीं भी नहीं है। तो जो विज्ञान में सातत्य होता है सत्य ज्ञान वही होता है। तो हमारे पास जो सत्य ज्ञान है इसको लेकर आगे बढ़ें। दोस्तों यदि आपको भाई श्री राजीव दीक्षित जी द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके अन्य देशवासियों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं, और यदि आप ऐसी जानकारियां रोजाना पाना चाहते हैं तो कृपया करके आयुर्वेदिक उपचार को सब्सक्राइब कर घंटे का निशान जरूर दबाएं। धन्यवाद।